तोरी की बेल को स्वच्छ रखने के लिए तोरी के पेड़ में खाद देना आवश्यक, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। खाद काला खाद कम मात्रा में देना, नहीं तो पौधा सूख जाएगा। उससे क्या है, तोरी की अच्छी प्रकार से पैदा होती है। हमारा पेड़ तो रेवड़े पर ही है खाद में, तो इसमें खाद हमेशा लगता रहता है। भैंस वाला खाद देना चाहिए अधिकतर तोरी की बेल में। उससे क्या है, बाहर के उर्वरक देने से पौधा खराब हो जाता है, तो भैंसों का उर्वरक ही देना चाहिए। गोबर, भैंसों का पशुओं का गोबर काफ़ी अच्छा है, तोरों के पेड़ में काफ़ी अच्छा रहता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं तोरों की बेल। तोरू कहाँ पर आती है, तोरू के पत्तों की बात करें तो इस प्रकार दिखाई देते हैं तोरू के पत्ते। छोटे बड़े सभी प्रकार के पत्ते पाए जाते हैं इसमें। और आखिरकार ये बेल आगे इसकी मदद से बढ़ती है, गुंडे नुमा आकार से आगे चढ़ती जाती है, नीचे उतरनी होती है। तो इसका ओड इस प्रकार होता है, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। ये तोरू की बेल है। तोरू के पत्ते काफ़ी अच्छे होते हैं पेड़, ये बेल के रूप में पाया जाता है तोरू का। इसमें तोरू की बात करें तो तोरू इस प्रकार आती है। इसमें छोटी तोरू की बात करें तो इस प्रकार, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार तोरू आती है। ये तोरू है, तो बड़ी होने के बाद काफ़ी लंबी आती है, ज़्यादा लंबी तो नहीं, फिर भी मीडियम साइज आ जाती है। इस प्रकार ये तोरू की बेल इस प्रकार दिखाई देती है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रही होगी। इसमें काफ़ी सारी तोरू आती है, जैसे ये पेड़ में छाई हुई है, एक बबूल का पेड़ है, उसमें आपको काफ़ी सारी तोरू भी आ रही है इसमें, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है तोरू का उपयोग। अभी हमने इसमें एक सब्जी बनाने के लिए काफ़ी सारी तोरू तोड़ ली, इसलिए इसमें कम दिखाई दे रही होगी आपको। अच्छी प्रकार से ये बेल काफ़ी अच्छी प्रकार से दिखाई देती है, जैसा कि ऊपर भी काफ़ी सारी तोरू आ रही है, जैसा कि आपको दिखाई दे रही होगी। बबूल में ऊपर तक छाई हुई है ये बेल, काफ़ी अच्छी लगती है। खेतों में खाई भी लगाया जाता है इसको। करें तो इस प्रकार के फूल पीले रंग के आते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। छोटे पर ये फूल, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, छोटे पत्ते के साथ एक फूल है तोरू का। फूल मुड़ने लगता है और तोरू का फल लगने लगता है फूल में से ही। तो तोरू की बेल काफ़ी अच्छी होती है, इनका उपयोग कई जगह पर किया जाता है। तोरू के पत्ते भी काफ़ी काम आते हैं, गलत चीज़ों में उपयोग किया जाता है तोरू के पत्तों का।